अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम और रहमत के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो आज मैं फिर काफ़ी दिनों के बाद जो है वो व्लॉग बनाना शुरू किया है, तो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें ताकि मेरी जो है हौसला अफजाई हो सके। अच्छा जी, चलते हैं, कोई चीज़ वगैरह ले लेते हैं। तो बैग में से पैसे निकालते हैं, ये बैग है जी, इसमें से पैसे निकालते हैं। ये है जी पैसे, ये कितने पैसे हैं ये देखे जी, पैसे 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 कितने लिया जी, 10 रुपये लेते हैं या 10 रुपये और ले लेते हैं, ये रख देते हैं बाकी। ये जी सिक्के पड़े हुए हैं, ये है जी 50 वाला और ये 10 वाला है और ये 5 वाला है। ये देखिए कितने प्यारे बने हुए हैं ये सिक्के, ये इधर ही पड़े रहने देते हैं, तो बाकी चलते हैं अभी नीचे। चलो जी कार्ड निकालें बाहर और चलते हैं बाहर बाहर बाहर। ये रही बाहर है, ओ अच्छा जी, आज काफ़ी दिनों के बाद जो है वो व्लॉग दोबारा से शुरू कर रहा हूँ और ये आप देख रहे हैं, आपको पता तो लग गया होगा ये पुरानी वाली जगह है। तो मैं अभी दोबारा जो है वो बोटोसानी में आ चुका हूँ। मेरे ख्याल में वैसे ही चलते हैं, लिफ्ट पे नहीं सही, थोड़ी वर्जिश करनी चाहिए। तो ये सीढ़ियाँ हैं, अभी देखे जी सूरज, अभी सूरज की बहुत ज़्यादा रोशनी है, चलते। अच्छा जी मैं आ गया हूँ नीचे, ये सामने रिसेप्शन बनी हुई है जिधर कमरे पार्टी या शादी वगैरह के फंक्शन के लिए बुकिंग करवाते हैं। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, आज धूप बहुत ज़्यादा है, बस अब इधर भी गर्मी होना शुरू हो गई है। वैसे हवा हर वक्त चलती रहती है इसलिए इस धूप का इतना असर नहीं होता। ये लोग शुक्र करते हैं धूप निकली है, देखे कितनी महंगी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये पाकिस्तान में तो कभी मैंने तो नहीं देखी, लेकिन ये बहुत कीमती गाड़ियाँ हैं। अच्छा जी मैंने दुकान से दूध ले लिया, ये 1 लीटर का दूध है जो मुझे तकरीबन 10 ली का मिला है, जो पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन 600 बनता है। अब 1 लीटर जो है 600 रुपये का बनता है पाकिस्तानी, हिसाब लगाएं अभी पाकिस्तान में जो रेट है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 140 या 150 है। पाकिस्तान फिर भी बहुत सस्ता है, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो है वो तो शोर डाल रहे हैं कि बहुत महंगा हो गया दूध, लेकिन इधर जो है वो दूध की कीमत 600 रुपये है, लेकिन इधर के हिसाब से जो है वो कीमत ठीक है क्योंकि इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर की कमाई जो है वो भी उसी हिसाब से होती है, इनको पैसे बचते भी हैं और जो है वो काफ़ी सही है, इनका गुजारा हो जाता है। तो अब वापस आ चुका हूँ, दोबारा कमरे की तरफ जा रहा हूँ। ये जी दूध लाडोराना दूध का नेम है, लीटर का डब्बा है ये। रेड कारपेट बिछी हुई है, कार्ड लगाने लगा हूँ, ये कार्ड के साथ खुलता है दरवाज़ा, अगर कार्ड ना हो तो फिर नहीं खुलेगा दरवाज़ा। तो इस कार्ड को इसमें डालते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं।